जय श्री राम, 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 पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, पर खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठों का ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोरते हैं पल पल, सत पथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। वाटिका एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून है, बागों में शालिन मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप भाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा न्याय। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझ में लह है, या देख पवन मुझ में लह है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लह है झंकार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भार।
आदित्य जो ग्रह नक्षत्र कर सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित शर सिंधु मंत्र, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शत कोटि जिष्णु जलपति धरेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल शत कोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधे ने हा हा दुर्योधन बांधे ने, भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदिश जन यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है, और मुट्ठी में तीनों काल देख पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ मोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता वो मुझे बांध कब सकता है, सूने को साध न सकता वो मुझे बांध कब सकता है, और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी धूप पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्रदाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा, धी सभा सन ओ मेरा प्रणाम जय सिंह। हम सब भगवत कृपा से सकुशल सभी मन में था, जैसे कोई यज्ञ पूरा होता है तो कभी कोई एक बार या तो कोई तीन बार इदम अग्नये नमः इदम नये नमः तीन बार करते उसको पूरा करते। भगवान महाकाल के मनोरथ के कारण केदारनाथ माया विश्वनाथ फिर सोमनाथ में मैंने मानसिक रूप से तब पृथ्वी को प्रणाम किया व्यास पीठ से उत्तर कैसे फिर ट्रेन चली और मैंने रुपेश को बाबा को सब पूछा कि खोज करो हमारे रास्ते में सार्वभौम लाएगा, तो बताया गया कि दो रूट है इस तरह जाएगा सार्वभौम लाएगा। मैंने कहा कि एक घंटा यदि सार्वभौम में ट्रेन जाए तो मैं सैंजल समाधि पर इदम जाहिरात नहीं की थी क्योंकि फिर सब चाहते सबकी व्यवस्था करना भी मुश्किल था, और वहां भी नया मंदिर बन रहा है तो सब तोड़ फोड़ करती है, लेकिन व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए भी मेरी माओ दीपक कला करके आप सबकी ओर से
मैंने दूसरी बार कहा और तीसरी बार यहाँ यात्रा यहाँ पूरी हो तो भगवान जी के चरणों में माता पिता की समाधि के पास अभी मैं राम जी मंदिर में जीवन दास दादा जीवन दास दादा माँ सबको प्रणाम करके आया और आप सबके साथ यहाँ तीसरी आहुति की। अब आप सब प्रसाद लेकर या फिर आपका जैसा प्रोग्राम ऐसा करिए। मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि अब आप जाएंगे, मैं गुरु से कह रहा हूँ। वैसे बाप के नाते कह भी सकता हूँ कि अब निकल जाएंगे, मैं तो बाप बनकर मेरा फर्ज निभाना अधिकार जमाना नहीं चाहिए, लेकिन बाप को एक अधिकार भी तो बाप का क्या कर्तव्य है, बाप का क्या स्वभाव होना चाहिए वो निभाते सिर्फ फिर आप जैसा। और सब हम साथ में ही हैं जहां भी कथा हो तो, और तो कुछ न कहू, लेकिन आप जैसा निर्णय करें मैं दो दिन में जा फिर आप जैसा निर्णय। અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો પૂજ્ય મોરારી બાપુના ઘણા જ ભાવિ ભક્તો જે અહીંયા કથાનું પૂર્ણ થઈને ઘણા જ ભાવિ ભક્તો જે દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે અને ચિત્રકૂટ ધામના દર્શન કરી રહ્યા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો જે દર્શન કરવા આવી રહ્યા છે। અમારી સાથે છે મારા ભાઈ તેમજ મારા મિત્ર એવા, શું નામ છે તમારું? ગોહિલ જય, તેની પણ એક ચેનલ છે ગોહિલ જય વોક, તેને પણ તમે સપોર્ટ કરો અને મારા ભાઈને તો તમે ઓળખતા દર્શો, શું કહેશો તમે? બસ અહીંયા બધા ભાવિ ભક્તોને જે 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા કરીને સૌ અહીંયા બાપુના આશીર્વાદ લેવા આવી પહોંચ્યા છે તલગા જાડા, અને એ બધા એને અમને જોઈને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો અને અમને પણ બધા દર્શનનો લાભ મેળવ્યો। સૌ 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા પૂરી કરીને આવ્યા હતા તેના અમે દર્શન કરવાનો ખૂબ જ મોકો મળ્યો છે, એવો આનંદ થયો। પણ તમે પણ વિડીયો દ્વારા દર્શન કરો અને વિડીયોમાં તમે નવા હો તો પ્લીઝ હજી વિડીયોને લાઈક ન કરી તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલમાં નવો હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો ચાલો મળીએ એક નવા બ્લોગ સાથે, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ।